पांडे दिलीप पांडे सदर विधायक प्रतिनिधि की ओर से समस्त देशवासियों प्रदेशवासियों व क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सभी बुंदेलखंडवासी झांसीवासी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक अनंत शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं उन सभी वीरों को नमन करता हूं और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर एक सशक्त संप्रभु और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी। आप सभी से निवेदन भी करता हूं कि अपने मौलिक अधिकारों के साथ कर्तव्यों का पालन करें, उन्नत राष्ट्र के निर्माण में अपना भी योगदान दें। आपने एक चीज हमेशा देखी होगी कि लगातार विगत कई वर्षों से हम लोग समाज की सेवा में लगे हुए हैं। आपको भी एक बात से अवगत है, स्वतंत्रता दिवस पे हम कराना चाहते हैं और आपसे यह सौगंध लेना चाहते हैं कि देश के लिए कोई भी बात हो, चाहे वो पर्यावरण की हो, पेड़ लगाने की, आजकल अपनी माँ के नाम एक पेड़ हर आदमी लगा रहा है, या दूसरों के आंसू पोंछने की बात हो, या किसी भी आदमी के काम में आने की बात हो, हम लोगों को जात बिरादरी समाज इन सब को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ देश की उन्नति के लिए काम करना है। देश की तरक्की कैसे हो उसके लिए काम करना है, हमारा देश सशक्त कैसे बने इसके लिए काम करना है हर चीज में। और मैं आप लोगों से एक वादा चाहता हूँ आज स्वतंत्रता दिवस पर कि जिस तरह से लगातार संघर्ष सेवा समिति में डॉक्टर संदीप सरावी अध्यक्ष संस्थापक मेरी सारी टीम देश के हित में जनहित में बिना समाज के बिना भेदभाव के सिर्फ और सिर्फ देश को सशक्त बनाने का काम कर रही है, इसमें आप सभी लोग हमारा साथ दें। और इसी प्रेरणा के साथ आने वाले जो नया वर्ष है अगली 15 अगस्त के पहले पहले इस बात का वचन दें कि वास्तविकता में जो काम संघर्ष सेवा समिति कर रही है उसी काम में आप लोग भी सहभागिता करेंगे। दोबारा सभी हमारे बुंदेलखंडवासी झांसीवासी और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की दोबारा हार्दिक अनंत शुभकामनाएं। जय हिंद।